ओ थैंक यू सो मच, क्योंकि आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोला था। अगर आप हमारी इस वीडियो पे लाइक करते हो तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा और मैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो आपने 1K लाइक बहुत जल्दी कर दिया। मैं जब भी आपसे कुछ कहता हूँ वो आप तुरंत कर देते हो, ये देख के मुझे बहुत खुशी होता है। और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। वीडियो अपलोड करने के बाद आपका कमेंट को ही देखता हूँ और मैं सच बता रहा हूँ, आपके कमेंट के सामने मैंने वीडियो में जितना भी मेहनत किया रहता है वो सब छोटा पड़ जाता है। इसलिए मैं वीडियो अपलोड करने के बाद आपका कमेंट को ही देखता हूँ। हाँ, हर किसी का नहीं देख पाता हूँ लेकिन देखता हूँ। अगर आप वीडियो में 2 दिन लेट हो जाओगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी सोचना होता है, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। और जो हमारे ऑडियंस ये कहते हैं भैया प्लीज रिप्लाई दे दो, आप कभी रिप्लाई नहीं देते हो, तो उन्हें मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं कमेंट चेक नहीं करता हूँ। अगर मैं उस टाइम कमेंट चेक करता तो आपको रिप्लाई भी कर देता। अगर मैं आपका कमेंट को नहीं देख पाता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं जिस दिन वीडियो अपलोड करता हूँ अगर आप उस दिन कमेंट करते हो तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि उस दिन मैं आप सबका कमेंट देखता हूँ। और गाइस यहाँ देखो, ये तो टूट ही रहा है बार बार। अगर आपके भी साथ ऐसा ही होता है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि इसे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अभी भी टूट ही रहा है। हाँ हो गया, लेकिन इसे पूरा स्लो स्लो करना पड़ेगा तभी ये कंप्लीट होगा। अभी वीडियो फास्ट है लेकिन मैं स्लो कर रहा हूँ। ये तो काफी ज्यादा बड़ा बना लेकिन मैंने इसे बीच से तोड़ दिया, तभी तो हमारा एक फ्लावर बन पाएगा ना। बाकी आप हमारा वीडियो देख के बोर होते हो क्या? ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमारा वीडियो होता ही बोरिंग है, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करना ज्यादा नहीं आता है और थंबनेल के बारे में तो पूछो ही मत, उसमें मुझे रोना आने लगता है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है थंबनेल को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। वो तो आप हो, थंबनेल अच्छा हो या फिर खराब फिर भी देखते हो। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब कुछ अच्छा करने का कोशिश करूंगा। चलो मैं यहाँ पे पेंटिंग कलर का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी कलर का यूज कर सकते हो, क्योंकि इस पे कोई भी कलर चल जाता है, स्केच कलर हो या फिर पेंसिल कलर, आप किसी भी कलर से कर सकते हो। मैं पेंटिंग कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, और आपका जो भी फेवरेट कलर है वो सब यहाँ पे कर दो तो फिर और अच्छा दिखेगा। लेकिन मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है इसलिए मैं जैसे तैसे कर रहा हूँ, बस ब्लैक एंड व्हाइट ही मेरा फेवरेट कलर है, वो भी करूंगा और देखता हूँ कैसा दिखता है। आप अपना भी फेवरेट कलर बता देना और आप कितने ईयर्स के हो ये भी बता देना, मुझे बहुत खुशी होगा आप कितने ईयर्स के हो ये जान के। बाकी कैसे 5 मिनट का वीडियो बनाने में मेरा हालत खराब हो रहा है, क्योंकि ये कलर जल्दी सूख ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे बहुत टाइम वेट करना पड़ रहा है। अगर आपके पास भी कुछ इसी टाइप के आइडिया है तो आप बता सकते हो तो मैं उसे जरूर करूंगा। और इसे पकड़ने में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये टूट ना जाए, लेकिन मैंने सोच के रखा है अगर ये टूटा तो इसे छोड़ दूंगा, डायरेक्ट पेपर पे ही चिपकाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चिपका के कोई फायदा नहीं, बाद में टूट ही जाएगा, इसलिए इसे मैं डायरेक्ट पेपर पे ही चिपकाऊंगा। और गाइस अभी मुझे याद आया, हमारे कुछ ऐसे ऑडियंस है जो मेरे दिल के बातों को जानते हैं, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा बात ही बोल देते हैं मैं सोच में पड़ जाता हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था, भाई आपका वीडियो इतना लेट